वो नहीं वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, गाड़ी खड़ी हुई मेरी शहबाज पे धड़ा के मार दी। ऐसा होता है मेरे साथ। मैं उसके बाद से मेरे अंदर इतना फियर ऑफ कार हो गया ना कि मैं भी एयरबैग वाले ड्राइवर भी भाई लेके आ रहे, तो उनको पता मैं चीखे मारती भी आती हूँ, लगता है इधर से गाड़ी आ रही है उधर से आ रही है। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से कि हमारे लिए बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन क्या है, और वो वक्त के साथ साथ हमें पता चला है। सो ऑब्वियसली बहुत सारे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि दिस इज बेस्ट फॉर मी, मगर वो ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, अपनी गलतियां करते हैं ये, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, नहीं 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 ये मेरे लिए ट्रायल एंड एरर पूरी जिंदगी है ना। नहीं सुना आजकल कितनी महंगी हुई गाड़ियां, तुम सोचो। अपना फ्रेम देखो तुम, बिल्कुल निदा के ना सेट के का प्रॉप लग रही हो सारे बॉस के साथ ना, मैचिंग आप चेक करें अंबर की, ये लेफ्ट वाला राइट वाला तक ये से भी मैच कर रही है। सो ट्रू, तुम इसको यहाँ रख लो, तुम्हारी सेट का हिस्सा है, बिल्कुल प्रॉप है इस वक्त, अंबर इतनी सूट कर रही है। मैंने ये नोट किया है जब से अंबर अमेरिका से वापस आई है ना, ये थोड़ी सी जज्बाती हो गई, मैंने इसके अंदर ये चेंज देखा है, मुझे नहीं पता शायद हुआ बाबा हुआ क्या। नहीं 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 नहीं, इससे सर जो पुराना एकदम मतलब कभी कभार होता है, फेज होता है, बिल्कुल होता है, कुदरती आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है ना आ रहा बैठे बैठे। मैं देखो मैं कभी भी मेरे अंदर ये खास बात है, अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछला सोचती हूं, मैं रिग्रेट नहीं, बंदा भुलाने जाता है ये याद करके आ गई वापस। देखो अंबर बुलाना पड़ेगा, पहले अच्छा भला भूल के बच्ची को भेजा हमने और ये आ गई वापस याद करके। व्हाट इज गोइंग ऑन, फिर गाड़ी जाने से पहले एक मोटर बाइक, या प्लीज मोटर बाइक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस कर ले मेरी, कभी मैं बताऊंगी कैमरे के आगे, वो नहीं वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, गाड़ी खड़ी हुई मेरी शहबाज पे धड़ा के मार दी। ऐसा होता है मेरे साथ तो। हाँ, ये कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, खड़ी में गाड़ी को मारते हैं सब लोग। तुम गाड़ी में ना कांटे लगा लो, कुछ ऐसे होता है ना डेंटिंग पे कांटे लगे हो, जो टकराए वही फट जाए। हासिल कितनी होती है ना, जाना वापस आओ, फिर गाड़ी बनने देना, फिर रो फॉक्सी ले लो, फॉक्सी को कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं, उसकी वजह से सबको गाड़ी ऐसी लो। आपका बहुत ज्यादा ये डीप रूटेड फियर तो नहीं है कि मेरी गाड़ी को कोई ना मार दे हर वक्त? जो डर होता है ना वही होता है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। मेरे खाला आती है जर्मनी से, वो कहती है ओके जो है ना मैं अब नहीं आऊंगी, उनके पैसे छिन जाते हैं, उनके सोने की चेन देखे उनके नहीं होता, वो डरती है। ये एक पॉजिटिव, मैं वो नेगेटिव सोचती नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बहुत जो है वैलिड फिनोमेना है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे सोचे जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप डर डर के और दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, जब घर से निकलो ना तो है मस्त, गाड़ी इंश्योर करा लो, टेंशन फ्री यार सब। तुम्हें क्या लगता है इंश्योर नहीं है गाड़ी? इंश्योर एक दर्द अभी गाड़ी पे शो हो रहा है, आगे बढ़ो। दोबारा मार दी रिगो ने, मार दी खड़ी गाड़ी को, फिर दोबारा खड़ी गाड़ी। बहुत दुखी है आज, बहुत दुखी है, अगला वाला दिखाएं किसको क्या खड़ी हुई गाड़ी को बेहतरीन इंतखाब है, आगे बढ़े। हां ये इधर भी, ओहो एक और गाड़ी की कहानी। अच्छा वो बेटा आज का गाड़ी शो है। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि दो मेरे एक्सीडेंट्स हुए यहाँ जब मैं कराची आई और ड्राइवर को चला रहे थे, तो मैं उसके बाद से मेरे अंदर इतना फियर ऑफ कार हो गया ना कि मैं भी एयरबैग वाले ड्राइवर भी भाई लेके आ रहे थे, उनको पता मैं चीखे मारती भी आती हूँ, लगता है इधर से गाड़ी आ रही है उधर से आ रही है, तो मैं अच्छा। मुझे मैंने ना सफर करना बंद कर दिया था, मैं कह रही थी मैंने बाहर कहीं जाना ही नहीं है, कि मुझे गाड़ी में बैठते ही ना ऐसे कुछ होता है, फिर मैं ऐसे ऐसे ब्रेक भी मारने लग जाती हूँ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, पैसे और मुझे शदीद एंग्जाइटी है, शदीद मेरी ना ऐसे बॉडी खिंच जाती है, ब्रेक कोई दूसरा होती है पागल है तो क्या मसला है, तो क्यों ऐसे? मैंने कहा नहीं, अरे कर क्या रही हूँ, ब्रेक करो, तुम्हारे पास ब्रेक नहीं है। मैंने कहा आई नो, प्लीज डिस्टेंस रखो। फिर मेरा एक फॉर्मूला होता है चार गाड़ियों का डिस्टेंस रखो, तो फैसल कहते हैं फिर तो गाड़ी अंदर आएगी, मैं कहा आने दो, लेकिन चलो चार गाड़ी इतना हो के आगे वाला ब्रेक लगा था, मुझे बस किसी के साथ ना गाड़ी में बैठना, कोई और ड्राइव करे। अच्छा, तो मेरे साथ बैठा, और मैं कराची में ड्राइव नहीं करी थी क्योंकि मुझे डर बड़ा लगता है, कराची की ड्राइविंग बहुत ही खौफनाक है, लेकिन दुबई इस्लामाबाद में बड़ा ड्राइव किया। मैं कहा क्या करूँ क्या करूँ, ये तो पागल, ये तो बीमारी बनती जा रही है मुझे, कहीं मैं जा नहीं रही कुछ। मैं कहा मैं गाड़ी लूंगी अपनी पसंद की तभी चलाऊंगी, तो फिर मैंने पसंद की गाड़ी ली। फिर ये डिस्टेंस वगैरह का जो मसला था वो भी, मैंने कहा मैंने हाइब्रिड गाड़ी लेनी ताकि मुझे फ्यू गाड़ी बड़ी हो, मुझे बड़ा मुझे टैंक चाहिए ताकि प्रोटेक्शन हो
और ये खड्डे बड्डे भी ना फील हो। हालांकि यहाँ का फॉर्मूला क्या है, कराची में अच्छी गाड़ी रखने का कोई फायदा नहीं। मैं क्यों नहीं फायदा, जब मैं रह कराची में रही हूँ तो मैं क्यों ना अच्छी गाड़ी रहना यही है। और देखिए गाड़ी आपका सिर्फ अय्याशी नहीं है, मेरे केस में या सबके केस में गाड़ी इज फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो। गाड़ी आपको दूसरी गाड़ियों के इम्पैक्ट से बचाती है, तो जो छिलके वाली छोटी गाड़ियाँ ये कोई नहीं बचाती हैं आपको, तो सीधा आपको इंजरीज होती हैं। तो मैं डरती बहुत थी, तो मैंने बड़ी गाड़ी ली, हाइब्रिड ली, और मैंने और उसके बाद अब क्या हुआ है कि मैं चलाने लगी हूँ, इंजॉय करती हूँ और सुकून से सेफ, आई फील वेरी सेफ। फ्यूल वाला खर्चा भी डेढ़, बहुत गाड़ी चलाओ आप, कितने 1300 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है बड़ी वाली, एक फ्यूल का टैंक फुल करके, आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड, या 1300 किलोमीटर्स। तो वो 1.5 महीने बाद आराम से टैंक फुल करा लिया। अरे वाह, पता ही नहीं चलता। हाँ, डेढ़ दो महीना बेहतरीन इंतखाब भाई। एंड डिस्टेंस देखो मेरा कितना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब 1300 किलोमीटर करके फिर आपका टैंक आपका खाली होता है। तो हाइब्रिड गाड़ी बहुत अच्छी है, सुकून हो गया, और ये कि आई फील सेफ। हाँ। तो अब मैं चलाने लगी हूँ तो मैं सुकून से अब खुद जाती हूँ। मैं वो डर वाला चीज़ एआरवाई भी खुद ही आई है आज। हाँ आज मैंने देखो देखो ना वही तो। हाँ भाई, नेक्स्ट किसका क्या बेहतरीन इंतखाब? हाँ शर्मीन, मेरा जो बेहतरीन इंतखाब था, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, वो था अपना अलग घर लेना। क्योंकि आपको पता है कि जब यू नो आफ्टर माय सेपरेशन व्हेन आई केम बैक, ऑब्वियसली मैं अपनी बहन के साथ रह रही थी, और शेयर्ड स्पेस में ये तो है कि आपको आपकी फैमिली की बहुत सपोर्ट होती है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेसी नहीं होती लाइफ में, और क्वालिटी भी टू सम एक्सटेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। तो मैंने आपके पहले शो में भी डिस्कस किया है कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो आई स्टार्टेड सेविंग एवरी पेनी। फॉर 5 ईयर्स मैंने अपनी जात पर एक पैसा नहीं खर्च किया, कुछ नहीं करती थी। मेरी अम्मी कहती थी तुम महीने का 2000 का फल ले लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मेंटल ब्लॉक था कि नहीं, मैंने अपना घर लेना है। जब तक कि मैं वो नहीं करती, मेरी जिंदगी जो है वो जिस तरह की मैं जिंदगी गुजारना चाहती हूँ वो होगी नहीं। तो और उससे बेटर, उससे भी अच्छी चीज़ ये हुई कि क्योंकि मेरी अम्मी का और मेरी बहन का अपार्टमेंट साथ साथ है, आई यूज़ टू लिव विद माई सिस्टर, तो मेरा एक बेस्ट जो डिसीजन था वो लाइफ का कि मुझे अपार्टमेंट बराबर वाला मेरी बहन का मिल गया। तो इवन दो नाउ आई हैव माय ओन स्पेस, आई लिव क्लोज टू फैमिली, बट आई एम राइट नेक्स्ट डोर टू माय मदर एंड माय सिस्टर। तो सिक्योरिटी भी बहुत है, और अपनी प्राइवेसी भी है, अपनी स्पेस भी है। और उसकी वजह से, क्योंकि देखें जब आप किसी के घर में रह रहे होते हैं तो आपको अपनी बहुत एक लिमिटेड स्पेस में रहना होता है, यू कांट टेक एडवांटेज ऑफ द अदर पर्सन, घर क्यों ना हो, ग्रेशियसनेस, बिल्कुल। अगर आपका अपना जमीर भी होता है ना, आपको बार बार वो होता है कि मतलब ये फील करते हैं कि हम बर्डन ना हो किसी पे, अंदर अंदर ये शादी से पहले अलग बात होती है, शादी के बाद एक अलग आ जाता है। उसके अलावा मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो आपको ये फील होता है, आप किचन में अगर आपको कुकिंग करनी है कोई, यू नो एकदम से और टाइम पे आपके बच्चे ने कोई फरमाइश कर दी, तो मैं बड़ा कॉन्शियस होती थी, और मैं बहुत गिल्टी भी फील करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली माय सिस्टर वाज, यू नो शी हैज अ ह्यूज हार्ट, उन्होंने कभी मुझे नहीं इस तरह की कोई फीलिंग दी, लेकिन मैं खुद बहुत कॉन्शियस रहती थी। तो वो जो है ना, मैंने जो वो 5 से 6 साल बेतहाशा, खैर अल्लाह मियां कराने वाला है मैं क्या चीज हूँ, लेकिन अल्लाह मियां ने बहुत तीन अपार्टमेंट की स्पेस, पूरा पेंट हाउस है। एग्जैक्टली, नाउ अपार्टमेंट को अगर मिला दो कितनी जगह हो गई, बहुत जगह। तो वो स्क्वायर फुट का सोच रही हूँ रेट, यार जगह है तुम्हारा, इट्स लिटरली लाइक दैट। तो कितना फायदा हो, तीन अपार्टमेंट साथ साथ है, तो हमने यहाँ पे घर आ जाए 500 गज का, तीन मेटल गेट लगा लिया, पूरा कॉर्नर हमने अपना अलग कर लिया। अच्छा पता है, मुझे उन औरतों की समझ नहीं आती, और है मेरी ऐसी दोस्तें जिन्होंने ठीक ठाक अपना लाइफ में कमाया एक टाइम पे, और उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, घर बहुत से ऐसे लोग नहीं, गाड़ी तो नहीं, खर्चे होंगे ना, कहीं सेविंग की, कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, यार बस उस टाइम हमने उड़ा लिया, बस उस टाइम खर्चे बड़े थे, हमने एंजॉय कर लिया, सेव नहीं करती। और बच्चे ऐसे आजकल के यार, नादिया